हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग. देख सकते हो ना, एंड आई एम श्योर देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, राइट एवरीबडी? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? हाय. सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एज प्रॉमिस्ड, रिलेशंस एंड फंक्शंस इन वन शॉट. ठीक है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंड उनका जोश अभी भी बहुत हाई है. यस, तो आप देख सकते हो, मतलब चेहरे की खुशी देख रहे हो मेरे. हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को किल करते जा रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं गाइस? मजा आ रहा है कि नहीं? आई एम श्योर आ रहा होगा. चलो, ये अगर कोई यहाँ पे नया जुड़ा है या एक बार ही देखना चाहते हो बॉस कि क्या क्या कवर कर चुके हो, तो हम चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब देखो, ये जो आपका चैप्टर 2 है एंड ये वाला आपका चैप्टर 1 है, इनकी कंबाइंड वेटेज 8 मार्क्स है ना, इनकी कंबाइंड वेटेज 8 मार्क्स है. तो वो हमने इनवर्स ट्रिगो जब हमने शुभारंभ किया था, दैट टाइम वी डिस्कस, एंड नाउ इज द टाइम फॉर चैप्टर 1. तो क्या क्या हो चुका है? इनवर्स ट्रिगो कैलकुलस पूरा आज हमने कंप्लीट कर दिया है. वाओ, व्हाट हैप्पीनेस गाइस, व्हाट जॉय. तो हमने ये सब पहले कर लिया था, आज हमने चैप्टर 9 भी कैलकुलस का केडीएस कर दिया है. सुबह सुबह मतलब किल डेड स्लॉटर कर दिया है ना. उसके बाद प्रोबेबिलिटी के पूरे 8 मार्क्स भी हम अपनी जेब में ला चुके हैं. ठीक है, तो आज अब कर रहे हैं चैप्टर 1, ताकि हमारे इस यूनिट 8 के भी चैप्टर्स फिनिश हो जाए. मतलब हमारा जो यूनिट है, यूनिट 1, उसके भी 8 मार्क्स पक्के हो जाए. एंड ऑफ कोर्स वेक्टर्स इन 3D के भी 14 मार्क्स हम ले चुके हैं, है ना? ऑसम वाली फीलिंग. अब ये बच जाएगा आपका, एंड ये भी बस हम अब आपके आने वाले एक दो दिनों में फिनिश करवा देंगे. दैट्स इट. फिर हम आखिरी के दिनों में क्या होने वाला है, ये आपको कल पता चलने वाला है. तो क्या होने वाला है ऐसा मैराथन अब आखिर के 3 दिनों में. ओके, सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट गाइज? आर यू एक्साइटेड? ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से रिलेशंस एंड फंक्शंस को किल करते हैं. ठीक है, दिस हैज बीन द ट्रेंड फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, हमेशा से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, मतलब कंबाइंड वेटेज ही रही है इसकी. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेंड चला आ रहा था 6 मार्कर्स का, एंड सडनली यहाँ ब्रेक हुआ. वैसे जो बच्चे, जिनको एक बारी याद करा दिया जाए कि बाइनरी ऑपरेशंस, गाइस बाइनरी ऑपरेशंस इज आउट ऑफ योर CBSE सिलेबस, हुर्रे. तो जहां से वो 6 मार्कर आता था ना, अब नहीं आ सकता. इस टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि जो हमारे 4 मार्कर में या जो 2 मार्कर में, बेसिकली यहाँ कहीं जो चॉइस है ना, वो विद इन द यूनिट्स है. मतलब जैसे मैंने बोला है, पेपर में आपकी इंटरनल चॉइस होती है, तो ये वाला चैप्टर है, इसमें इंटरनल चॉइस थी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ. लेकिन हमें तो दोनों ही प्रिपेयर करने हैं ना बॉस, क्योंकि हमारा टारगेट है 80 on 80, है ना? तो अब इसमें क्या करें, अब ध्यान से देखो, आपका जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना, आपका जो 4 मार्कर बेसिकली जो आ सकता है, वो कहाँ से आ सकता है? आइदर फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, या फिर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सिंपल सी बात है, या तो इक्विवेलेंस रिलेशन से आ जाएगा या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से आ जाएगा, है ना? हम लोग ये बिल्कुल किल करने वाले हैं. एंड ऑल कौन से आपके कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन या क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आज बाय गॉड उन्हें खत्म करके जाएंगे. ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले, अगर वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि मेरे सेशन के सारे फ्री PDFs शेयर होते हैं यहाँ पे. यू कैन डिस्कस योर डाउट्स इन द गिवन टाइम, एंड ऑफ कोर्स यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई एम ऑनलाइन. ओके, तो जो बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू हैपन टुमारो. ओके, तो कल के लिए स्टे ट्यून्ड इन वन शॉट, हम लोग किल करेंगे इसको भी. चलो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे तो कर दो, टाइम टू रिफ्यूल, फटाफट से फ्यूल डाल दो अंदर, ताकि हम स्टार्ट कर लें. यस, फ्यूल डाल दो अंदर फटाफट से, ताकि हम स्टार्ट करें अपने सेशन को ऑसम वाले. ओके एवरीबडी, सबने करा है क्या? चलो, अमेजिंग. एंड वैसे ये रिफ्यूल करते करते एक बात याद आ गई है मुझे, विच इज आज 7 PM पे हम होंगे मेंटी पे सेंटी. मतलब मेंटी पे आपके
1 या 2 मार्कर्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मतलब कह सकते हो गारंटीड क्वेश्चंस हैं वो खेलेंगे उसकी मेंटी क्विज. तो तैयार रहना 7 बजे भी एंड 9:30 PM वी आर गोइंग टू हैव एनसीईआरटी से डायरेक्ट टिक मार्क. कहाँ? इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के. तो जो इतना बड़ा चैप्टर है ना उसको छोटा करने के लिए 9:30 बजे फिर से मिलेंगे. ओके तो चलो मेरा तो शेड्यूल बहुत पैक्ड है, अब आप फटाफट से खुद को पैक कर लो. लेट्स बिगिन द सेशन गाइज राइट अवे. ठीक है तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस से सबसे पहले. एंड अ लॉट ऑफ यू पीपल कीप आस्किंग कि मैम हम महास्प्रिंट से ये चैप्टर करें या वन शॉट से करें एनी चैप्टर. सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हो लेकिन ये जो वन शॉट वीडियोस है बच्चों ये बेसिकली इस तरह बने हैं कि इसमें और भी ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है तो मेक श्योर कि बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे. ओके जी चलिए. रिलेशन मतलब बेसिकली अगर आपके ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट्स, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है. आपका सपोज ये सेट ए है ये सेट बी है तो इनके ऑर्डर्ड पेयर से जो आप सेट बनाते हो दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3 यहाँ हैं एलिमेंट्स लेट्स से ए बी. तो ए क्रॉस बी मतलब ए से फर्स्ट एलिमेंट बी से सेकेंड यानी के 1A 1B 2A 2B 3A 3B. ठीक है जी, दिस इज वॉट इट इज. ए क्रॉस बी ऐसे आएगा. अब रिलेशन क्या होता है, इसमें से जो आप सिलेक्ट करोगे द वे यू विल डिफाइन इट. तो रिलेशन को हम कह सकते हैं इट्स अ पार्ट या अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे तो वही एलिमेंट्स चाहिए जिनकी बिगिनिंग आर ऑड नंबर्स, मतलब मुझे सिर्फ उतने ही वाले एलिमेंट्स चाहिए जहाँ पे बिगिनिंग ऑड नंबर से है. तो आप सिलेक्ट कर लोगे, आप बोलोगे रिलेशन में आ चुका है 1A 1B एंड 3A 3B. तो यानी इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन सकते हैं. समझ में आया सबको, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है तो अब हमने करना क्या है, हमने पढ़ना क्या है. ये जो आपको दिख रही है ना चमकती हुई चीजें बेसिकली यहां से आपका आता है क्वेश्चन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज गाइस इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं. ऑलराइट अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो. अगर एक रिलेशन, अभी मैं आपको समझाऊंगी इसका क्या मतलब है, बट अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इट इज ऑल थ्री देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. अब समझते हैं इसका मतलब क्या है. देखो हम जो भी करेंगे ना वो सेट ए क्रॉस ए पे करेंगे. ओके मतलब हमारा बिगिनिंग सेट और फाइनल सेट सेम होने वाला है फॉर योर क्लास 12. ओके रिफ्लेक्सिव हम तब बोलेंगे, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे आपकी सेट ए में है एलिमेंट्स 1, 2, 3 रिफ्लेक्सिव बोले तो कि मेरे रिलेशन में ए ए नाम के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए. मतलब कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ जरा इसको ध्यान से समझना क्योंकि एक बार समझ लिया तो क्वेश्चंस बन जाएंगे हलवा, अगर नहीं समझा तो क्वेश्चंस दिखाएंगे फिर जलवा. ठीक है सो क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स ए मतलब कोई भी एलिमेंट उठाऊं मैं उसका सेम सो 1, 1, 2, 2 मतलब आप कह दो डबलेट शुड लाई इन द सेट. सबको समझ में आया तो आई विल पुट अ सिंबल. मुझे जरा बताओ चैट बॉक्स में इसका क्या मतलब होता है, ये जो मैंने ग्रीन सा सिंबल बनाया इसका क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे. सौरभ पूछ रहे मैम इक्विवेलेंस क्लास बता दो बेटा, आगे क्वेश्चंस में आएगी आपकी इक्विवेलेंस क्लास. यस फॉर ऑल बिल्कुल ठीक. तो यानी कि सारे एलिमेंट्स के लिए, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल. ठीक है उल्टा ये कोई नहीं बोलेगा इसे, फॉर ऑल बोलोगे राइट. तो कोई भी एलिमेंट मैं सेट कर लूं उसका डबलेट शुड बी इन द रिलेशन. इफ आई एम सेइंग द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एक बात समझ लो
जैसे आपने नॉट बोला ना, यू विल हैव टू गिव एन एग्जाम्पल. नॉट बोलते ही आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो इफ यू आर सेइंग दैट सम रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब कि कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन द गिवन सेट कि आपका ए ए नहीं लाइक कर रहा, कि आपका ए ए नहीं लाइक कर रहा इन द रिलेशन. अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी ये चीज समझनी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, मैं डाल दूँ 1 1 2 2, लेकिन 3 3 आई डोंट पुट. सपोज आई टेक अ रिलेशन जिसमें 1 1 2 तो है, 1 1 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो यू विल से दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ईच एंड एवरी सेट के एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए. ये बात सबको समझ में आई? यस, ये बात सबको समझ में आई. ठीक है, चलो सिमेट्रिक पढ़ते हैं. सिमेट्रिक तो मतलब जैसे आपकी फिगर में सिमेट्री होती है, राइट? हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डिड, सो वी स्पोक ऑफ योर सिमेट्री, राइट, अबाउट द एक्स एक्सिस और अबाउट द वाई एक्सिस. सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. बच्चों, व्हाट डज इट से? अगर आपका फोर A and B belonging to the set, अगर AB belongs to R, then this implies BA should also belong to R. जहां R का मतलब is relation, not real numbers. समझ रहे हो? R means relation. ठीक है जी? So AB belongs to R मतलब BA should belong to R. Now I did not put for all. मैंने बोला for. यहां था for all, यहां है सिर्फ for. Okay? तो यानी एक, इफ आई एम सेइंग कि मेरे सेट में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, इफ आई एम सेइंग 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए. यू गेट द पॉइंट? ठीक है, चलो नॉट सिमेट्रिक की बात करते हैं. ऑब्वियसली आपके पास कोई तो दो ऐसे एलिमेंट है फॉर विच ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर. समझ में आया सबको? यस, समझ में आया? जुबेर, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर मैंने बोला एक ऐसा एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट में डाला आपके, क्या डाला, ये मेरा सेट है 1 2 3, तो मैंने रिलेशन बोला यार 1 2 2 1 2 3. सब बच्चे मुझे बताओ, लुक एट दिस एग्जाम्पल, ये वाला बताओ मुझे सिमेट्रिक है या नॉट सिमेट्रिक? राइट इन द चैट बॉक्स, इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक? जरा देखें हम, कितने बच्चे बताते हैं. यस, इज इट सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक? सोच के बताना, सोच के. यस, देखो मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, पर मोस्टली नो कह रहे हैं. मतलब देखो, आपका 1 2 है तो 2 1 भी है, बट 2 3 है तो 2 3 lies in R, but 3 2 doesn't lie in R. समझ में आया guys? समझ में आया? अगर एक पैर है उस बेचारे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसका उल्टा भी होना चाहिए, then it's symmetric. क्या बात है? ठीक है, तो no आएगा इसका आंसर. और क्यों no? क्योंकि आप बोलोगे 2 3 belongs to R, but 3 2 does not belong to R. Okay guys, everybody great. चलो आगे बात करते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की. अब हमने दो की तो एलिमेंट्स की बात कर ली, अब हम एक लेवल हाई जाएंगे. क्या होगा? फॉर, अब हम बोलेंगे फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट. अब ध्यान से देखना, ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर. अब इसमें क्या स्पेशलिटी है? इफ इट एंड्स एट बी, देन इट स्टार्ट्स एट बी ऑल्सो. इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, फिर से बोल रही हूँ फॉर ऑल नहीं बोला, फॉर बोला है, देन इन दैट केस ये जो एक्सट्रीम वाले हैं ना, ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर. अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर. तो यार ये एक ऐसा चैप्टर है जो समझ तो आ जाता है, बट हाउ टू प्रेजेंट इन द पेपर में कन्फ्यूजन हो जाती है. वही कन्फ्यूजन अगर आप अब एक घंटा मेरे साथ रहते हो, हम वो कन्फ्यूजन को किल करके जाएंगे. ओके ओके, चलो अब नॉट का मतलब समझो. नॉट मतलब ऑब्वियसली यू विल फाइंड ए बी सी सच दैट ए बी एंड बी सी
तो रियल हैं, ए बी एंड बी सी तो डेफिनेटली रियल है बॉस, बट ए सी नहीं है। ए बी एंड बी सी तो रिलेशन में है, मैंने रियल बोला, ए बी एंड बी सी तो रिलेशन में है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। ओके, अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, मैम पहले एक क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन करवा दे ताकि आपको समझ आए ये बात। यस, शैल वी डू वन क्वेश्चन? पहले आप, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो चलो मैं, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि पहले आप क्वेश्चन करा दो, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाद में ये सब समझते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, क्योंकि इसके बाद एक ही और टॉपिक है एफ इनवर्स वाला। ओके, चलो समझ जाते हैं इसको क्या करना है। चेक वेदर द गिवन रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट, ये सेट गिवन है मुझे एंड मेरा रिलेशन इज डिफाइंड एज बी इक्वल टू ए प्लस ए। तो मेरा ए बी मतलब ए बी विल लाई इन आर इफ बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है जी, समझ में आया सबको? यस गाइस, समझ में आया सबको या मजा आया सबको? ओके, क्या करेंगे अब हम इसमें? इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और, अच्छा रिफ्लेक्सिव, कोई मुझे बताएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? जरा आप सोचो, विल दिस रिलेशन बी रिफ्लेक्सिव? गाइज आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, जरा सोच के देखो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, फॉर ऑल 1 1 2 2 3 3 till 6 6 ऑल द डबलेट्स शुड बिलोंग टू रिलेशन। क्या बात है, नो की बौछार हो गई है, दैट मीन्स यू गाइज आर सेइंग नो। ऑसम ऑसम। अब नो तो सबको समझ में आया, लेकिन क्यों होगा नो? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लोगे, तो आपने जैसे ही बोला नो, यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल। कुछ भी बोलो यार, मेरा वन इज बिलोंगिंग टू द सेट ए, बट वन वन डजेंट बिलोंग टू आर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने ए को लिया वन, तो बी विल बिकम टू। इफ आई टेक ए एज वन, दिस इंप्लाइज बी विल बी टू। तो यानी वन वन डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है जी, सिंस सबको समझ में आया, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब समझते हैं सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री समझो और मुझे समझाओ। इज द रिलेशन सिमिट्रिक बच्चों? इज द रिलेशन सिमिट्रिक? जरा देखो देखो, समझो समझो। रिलेशन इज सिमिट्रिक का मतलब, अगर आपने ए बी लिया तो बी ए शुड लाई एन आर। तो ऐसा क्या यार, मुझे कंप्लीट भी नहीं करने दे रहे सेंटेंस, पहले ही नो बोल रहे हो। ऑसम। तो वन एंड टू जैसे दोनों बिलोंग टू द वन एंड टू बिलोंग टू द सेट। ठीक है, अब इसका देखो, वन कॉमा टू तो लाई करता है आर में। क्यों? क्योंकि आपने ए को वन बोला, तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वन प्लस वन विच इज टू। बट गाइज, टू वन डज नॉट बिलोंग टू आर। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ आई पुट ए एज टू, तो बी तो थ्री बन जाएगा, है ना, बी टू थ्री बन जाएगा, तो इट्स नॉट सिमिट्रिक। तो यहां पे भी आंसर आएगा नो, नॉट सिमिट्रिक एंड वी आर गिविंग एन एग्जाम्पल। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी में देखते हैं, आओ मैदान में देखे जरा ट्रांजिटिविटी कितने लोग बताते हैं। थैंक यू सो मच हरी। यस, कितने लोग बताएंगे मुझे ट्रांजिटिविटी है कि नहीं है? सोचो सोचो सोचो, यहां भी नो, नो कर दिया, मोस्टली ने नो कर दिया है। सोचो अब देखो, वन टू मैंने बोला बिलोंग टू रिलेशन, हाँ जी, बिकॉज वेन माई ए इज वन माई बी इज टू। ठीक है, आई सेड टू थ्री। एक चीज याद रखना, इन ट्रांजिटिविटी यू विल टेक थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एंड ऐसे लिखना है उनको, अगर टू पे खत्म हो रहा है तो टू से स्टार्ट होगा। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इज टू इंप्लाइज बी इज थ्री, बट वन थ्री ना 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 ना, सिंस क्या हो रहा है, ए इज वन डज नॉट इम्प्लाई कि बी इज थ्री, ये तो अभी अब ऊपर देखा, तो आंसर इज अगेन नो। तो ये रिलेशन है विच इज नन ऑफ देम, विच इज नन ऑफ देम। समझ में आया, मजा आया गाइज, एवरी वन? यस, ठीक है, चलो ऑसम।
समझ रहे हो ना, ये होने वाला है. तो क्योंकि किसी कुछ बच्चों ने मुझे बोला था मैम एक क्वेश्चन करा दो पहले, तो क्वेश्चन करा दिया हमने. अब हम थोड़ा सा बैक गियर लगाते हैं एंड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको फटाफट समझते हैं. उसके बाद तो जी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, जितने मर्जी क्वेश्चंस लेना. ठीक है, तो चलो पीछे जाते हैं थोड़ा सा, दो चार कदम पीछे. वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस क्विकली से मतलब समझेंगे और देखेंगे कि बॉस करना क्या है. ठीक है, वन वन फंक्शन समझ जाओ. वन वन इस वक्त यार देखो, अगर आपका देयर इज अ फंक्शन विच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वन टू वन मतलब लेट्स से यहां ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके वन टू थ्री फोर ए बी सी डी ई. ओके, इफ मैंने वन को पकड़ा, नाउ वन के पास पांच ऑप्शंस हैं. इट कैन कनेक्ट विद एनीबडी, इट कैन कनेक्ट विद एनीबडी. वन बी ले लिया मैंने, वन बी ले लिया मैंने. ठीक है, अब क्या होगा गाइस, टू के नॉट गो टू बी, टू के नॉट गो टू बी. अब टू को कहीं डिफरेंट जाना पड़ेगा क्योंकि इट्स ओनली वन टू वन. मतलब आप ऐसे समझो कि आपने घर पे अपने एक प्राइवेट ट्यूटर रखा है, ठीक है, जो सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, तो उसका कनेक्शन वन टू वन है आपके साथ. तो अगर बच्चा दूसरा होगा तो ट्यूटर भी दूसरा होगा, अगर बच्चा तीसरा होगा तो ट्यूटर भी तीसरा होगा. राइट, इफ यू टेक द फोर्थ वन देन इट विल बी समथिंग एल्स. तो अगर टू लिया तो टू बी पे नहीं जाएगा, कहीं और भेज दो उसे. थ्री लिया तो ए और बी को छोड़ के कहीं भी और जाएगा. फोर लिया तो जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं उनको लेके कहीं भी और जाएगा. दैट मीन्स फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स देयर इमेजेस के नॉट बी द सेम. अब जरा मैथमेटिकल भाषा में बात करें, फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेट दीज के नॉट बी द सेम. समझ में आया? अब आपको और हमारा रिलेशन क्या है इस वक्त, मुझे बताओ, हम वन टू वन है या हम मैनी टू वन है, जरा मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में. आर वी वन टू वन या आर वी मैनी टू वन राइट नाउ, बताइए मुझे. यस, 614 बच्चे इस वक्त मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, मैनी टू वन. समझ रहे हो, चाहे आप अकेले पढ़ रहे हो इस वक्त बैठ के, लेकिन आई एम अ टीचर टू सो मैनी ऑफ यू. समझ गए? तो हमारा रिलेशन मैनी टू वन का है. गॉट इट, गॉट इट. इंटेलिजेंट पीपल्स, वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स. तो समझ में आया, दिस इज योर वन वन. एंड वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव ऑल्सो. ओके, अब आगे करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रूव कैसे करना होगा, पहले इतना समझ लो. ठीक है, चलो अब समझते हैं ये. अदरवाइज इट्स कॉल्ड मैनी टू वन जो हम लोग हैं. ठीक है, ये अभी मैं बात करती हूँ. आगे ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन. ऑन टू देखो बहुत सिंपल चीज है. अगर नाउ लिसन टू ऑन टू, ओके, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है जो हमारा 5 बाय द वे तहस नहस हो गया है और 5 इज ऑल डिस्टॉर्टेड. इसको ऐसे लिखते हैं. देखो अब मैं बता रही हूँ, ऑन टू मतलब जब आपकी रेंज और आपकी कोडोमेन सेम हो जाए. व्हेन योर रेंज इज इक्वल टू द सेम इज द सेम एज कोडोमेन. नहीं मैम समझ में नहीं आया, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. ए को कनेक्ट किया 3 से, बी को भी कर दिया 3 से, सी को कर दिया 2 से एंड डी को कर दिया 5 से. टेल मी इन द चैट बॉक्स, ऑन टू या नॉट ऑन, ऑन टू या इन टू, क्योंकि जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू होगा. जरा लिखो चैट बॉक्स में, इज इट ऑन टू या इन टू. ऑन टू इन टू, ऑन टू इन टू, ऑन टू इन टू, क्या होगा? यस, क्या हो जाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इट्स इन टू. क्यों? क्योंकि देखो इसकी रेंज क्या है. द रेंज फॉर दिस वन इज गाइज, रेंज मतलब कहाँ कहाँ कनेक्ट हुआ है ये. सो इट्स ओनली 2, 5. वेरियस जो कोडोमेन है बॉस, दैट इज द होल थिंग. 1, 3, 4. सॉरी 1, 3, 4, 5, मतलब सब कुछ 1, 2, 3, 4, 5. सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. सो इट्स इन टू. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा बी में, तब होगी बात ऑन टू की. गॉट इट, गॉट इट गाइज, समझ में आ गया? ठीक है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी देर इज सम एलिमेंट इन ए. तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है. चलो ये टेबल पे आ जाओ गाइज. मैं ना जब भी पढ़ा है
किसी भी टॉपिक को लाइफ में या फिर पढ़ाया है, मुझे लगता है कि बस यार एक ही शीट में सब कुछ टेबल में मुझे सिखा दो ताकि मुझे इधर उधर नहीं भागना पड़े. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू. ओके, अभी आप क्या कर रहे हो कि इसके बाद वी ओनली हैव क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, चलो ऑन टू के लिए कैसे प्रूव करोगे. फंक्शन हम सारी जगह ए टू बी ले लेते हैं. माई फंक्शन इज गोइंग टू बी ए टू बी एवरीवेयर. अब ऑन टू प्रूव करने के लिए आप बोलो कि यार आपने दो एलिमेंट्स लिए x1 एंड x2 फ्रॉम योर सेट. ठीक है, आप स्टार्ट कर दो fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड प्रूव करते 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 दिखा दो फिर x1 इक्वल टू x2 है. देखो एक तरीका होता है कि आप बोलो x1 एंड x2 दो डिफरेंट एलिमेंट a के हैं तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट b के होंगे. नॉट नॉट ज़रा मुश्किल है तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते हैं. कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोले तो कि कान को ऐसे नहीं पकड़ा, मैंने अपना राइट ईयर पकड़ा है पर ऐसे नहीं पकड़ा, थोड़ा घुमा के पकड़ा. ठीक है, पकड़ा तो राइट कहानी है, समझ रहे हो. सो सेम वे आप स्टार्ट कर दो कि नहीं जी एलिमेंट से इमेज इज द सेम, माय इमेज इज द सेम इन सेट बी, तो यानी एलिमेंट्स भी सेम है इन सेट ए. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. एंड इन केस यू से समथिंग इज नॉट वन वन तो इसके लिए आप दोगे एग्जाम्पल. ठीक है, क्या एग्जाम्पल दोगे यार, आप ऐसा एग्जाम्पल दोगे कि मैम एफ एक्स वन तो एफ एक्स टू के इक्वल है बट इस केस में टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. यानी कि मैंने यहां देखो, समझो गाइस, मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, दोनों के दोनों मेरे बी पे जा रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट इट्स नॉट वन वन बॉस, इट्स मेनी टू वन. समझ में आया सबको? यस समझ में आया, तो ये आप एग्जाम्पल दोगे. अब ऑन टू पे आ जाओ. कितने बच्चों को याद है रेंज कैसे निकालते थे हम, रेंज ऑफ अ फंक्शन वो एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करके. यस, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ. यस, रेंज कैसे निकालते थे, पता है या नहीं पता, डजेंट मैटर, एक बार रिवाइज करा रही हूं क्योंकि इसमें भी क्या होता है गाइस, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, आप ऐसे स्टार्ट करते हो. बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं दैट इफ देर इज एनी एलिमेंट इन सेट बी, इफ देर इज एनी एलिमेंट इन सेट बी तो डेफिनेटली देर बी सम एलिमेंट इन सेट ए ऑल्सो, उनका रिश्ता हुआ है, दे आर कनेक्टेड. दैट मीन्स फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी x belongs to a such that fx equal to y. ठीक है, तो ये आपकी रेंज से मिलता जुलता है. ठीक है, अगर नॉट ऑन टू है तो आप शो कर दो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो अभी एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि बॉस यहाँ पे ना एक एलिमेंट है मेरा सेट b से such that x fx is not equal to y. तो x के कोई सेट a में एलिमेंट नहीं है, कोई सेट a में एलिमेंट नहीं है. ठीक है, कुछ भी ऊपर आप दिखा सकते हो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी दिखा सकते हो. ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे लेके जाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये सब हो क्या रहा है. ऑलराइट एवरीबडी, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करा रही हूँ, सब समझ में आएगा. ओके, क्वेश्चंस करा रही हूँ, सब कुछ समझ आएगा. लेकिन लेकिन पहले क्या करना है हमें, क्वेश्चंस में समझने से पहले ये करना है. चलो फटाफट मुझे भी मोटिवेशन दे दो, फटाफट रिफ्यूल कर दो, मुझे रिफ्यूल कर दो सब लोग. गाइस कम ऑन. ठीक है, फ्यूल दिया, फ्यूल दिया, चलो अमेजिंग. स्टार्ट करती हूँ मैं फिर क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस कहाँ हो तुम. ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, राइट, अभी हमने कर लिया है. क्वेश्चन टू पे जाते हैं, रिलेशंस का क्वेश्चन है. अभी आगे फंक्शंस आएंगे बट लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशंस फॉर द टाइम बीइंग. अब देखो ध्यान से, मेरे साथ साथ करो, मैं आपको ना लिख लिख के सिखाऊंगी प्रेजेंट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ए इज अ सेट, शो दैट ए बी बिलोंग्स टू ए बी ए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फोर.
तो कुछ भी रिलेशन के अंदर होगा अगर उसका मॉड ऑफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स सिमेट्रिक एंड इट्स ट्रांजिटिव, ऑल थ्री. समझ में आया? यस. अब एंड में हम लिखेंगे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन एंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू. ठीक है, हम लिखेंगे बाद में, पहले ये समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करूं मैं? प्रूव करना है एग्जाम्पल नहीं लेना. वेन यू हैव टू प्रूव, कहीं बड़ा बड़ा चिपका दो पोस्टर बना के. प्रूव मतलब नो एग्जाम्पल्स. प्रूव मतलब नो एग्जाम्पल्स एंड नॉट प्रूव मतलब लो एग्जाम्पल्स. समझ में आया? प्रूव मतलब नो एग्जाम्पल्स, नो नॉट प्रूव मतलब या समथिंग रॉन्ग मतलब लो एग्जाम्पल. समझ में आ गया सबको? यस गाइस, यस. ठीक है, तो अब क्या क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी एग्जाम्पल्स, तो मैं क्या करूँगी? रिफ्लेक्सिव. तो इफ आई टेक एनी एक्स एक्स बिलोंग टू आर या ए ए, तो मैं बोलूँगी फॉर ए बिलोंगिंग टू द सेट ए कॉमा ए, आर में बिलोंग करेगा या नहीं गाइस? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करेंगे कि नहीं, जो डबलेट होते हैं? डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3, विल दे लाई विल दे नॉट? ऑफ कोर्स दे विल लाई. क्यों? क्योंकि यार क्या हमारा रिलेशन है? मॉड वाला. क्या? सिंस मॉड ऑफ ए माइनस ए तो होता है जीरो, और जीरो तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल है. That's it. So the relation is reflexive. So the relation is reflexive. Yes, बिल्कुल आरुषि, absolutely. अब बात करते हैं सिमिट्री की. सिमिट्री, हाउ डू आई प्रूव सिमिट्री? आप मानो, आप बोलो लेट ए बी बिलोंग टू आर. दिस मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4. मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4. अब यार मॉड के अंदर है, मैं नंबर्स को स्विच कर दूं तो इसका मतलब ये भी तो होगा बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, है ना? ऑब्वियस है ना? दिस मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. लो जी, हो गया काम. यस एवरीबडी, समझ में आ रहा है सबको? एक मिनट. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी भी हमें प्रूव करनी है. सो वॉट डू वी मीन? वील से ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी के मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4m लिख दूँ मैं, वेर m इज एनी इंटीजर. 4m लिख दूँ क्योंकि इट्स डिविजिबल बाय 4 ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा. ठीक है, अब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. आई हैव टू रिमूव दिस मॉड, यानी आई कैन से ए माइनस बी इज प्लस माइनस 4m. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. बहुत सारे बच्चे ऐसे ही उसको ऊपर वाले से ही ऐड कर देते हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप सेज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज 4n. मतलब मैं मान के चल रही हूं बी ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज मॉड बी माइनस ए इज इक्वल टू 4n. बट इसको आई कैन अगेन से बी माइनस ए, एक सेकेंड गाइज, हाँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, है ना? बी माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n. अब मैं यार ए सी बिलोंग्स टू आर क्या करूं बताओ? इसको मैं 1 पुट कर रही हूँ, इसको 2 पुट कर रही हूँ. मुझे बताओ मैं कैसे शो करूं कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर? ए सी की तेसी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. राघवी, नो बेटा, आई लिव इन दिल्ली. यस, कैसे करोगे इसे? आई कैन ऐड टू, एब्सोल्युटली. इनको मैंने ऐड किया ए माइनस बी प्लस बी माइनस, सॉरी ये सी होना चाहिए था, किसी ने बताया भी नहीं मुझे, गंदे बच्चों, ये बी सी होना चाहिए था क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी. सो आई विल ऐड, ऐड करके क्या आ जाएगा मेरा? ए माइनस सी इज प्लस माइनस 4 टाइम्स एम प्लस एन, यानी कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. यस, यानी कि मेरा ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. दैट्स इट. सो द रिलेशन इज
reflexive, symmetric, transitive. Therefore, it's an equivalence relation. Okay? This means this is an equivalence relation. Samajh mein aaya sabko? Yes, guys? If you have understood this, to mujhe ek thumbs up de do yaar, taki mujhe samajh aa jaye. Ek baar chat box mein thumbs up deke dikha do. Okay? So this is an equivalence relation. Ab samajhte hain aage. The question is not yet over. Okay? The question is, so somebody is asking me, ma'am, plus minus kyun lagaya tha beta? Mod sign tha na? If I remove the mod sign, so I'll have to put plus minus sign. Hai na? Chalo. Amazing to see this response. Ab fatafat se samjho ye. Find the set of all elements related to one. Related to one. That means, main aise kaun se element loon? I am assuming A. Main aise kaun se element loon that A1 must belong to R. One ke saath kaun se elements relate karenge? So, this means mod of A minus 1 should be divisible by 4. Should be divisible by 4. Ab elements kaun se available hai? All the integers between 0 to 12. Aapke elements kya hai? 0, 1, 2. Kaun kaun se aise elements hai? Dekho, main 0 lungi to 0 minus 1 is not divisible by 4. 2 minus 4 bhi nahi, 3 minus 4 bhi nahi, 4 minus 1 bhi nahi. Sabse pehla, achha, 1 aa jayega. 1 to aai jayega. To ek to element aa gaya mera, 1. Theek hai, because 1 minus 1, 0 is divisible by 4. Dusra kaun sa aayega? 5, bilkul theek. To main na actually 4 add karti ja rahi hu, hai na? Next, 9. Kyun? Kyunki 9 minus 1 will be divisible by 4. Next is plus 4 karungi to 13, which is not there. To main bolungi, the set of elements related to 1, isko aise bolte hain. And isi ko bolte hain, guys, aapki equivalence class. This is called your equivalence class. Samajh mein aaya sabko? This is the equivalence class. Theek hai? Ab iska matlab yahi to pucha tha next step mein aur hame laga oho pata nahi kya likh diya hai. Pata nahi kya likh diya hai. Ab 2 se related kaun kaun se elements hai? Tell me in the chat box which are the elements jo satisfy karenge boss mod of a minus 2 is divisible by 4. Bahut easy hai, sirf पहला एलिमेंट ढूंढ लो, बाकी अपने आप आ जाएंगे. 2, क्योंकि 2 माइनस 2, 2, 6, 10. एंड द क्वेश्चन इज, ओके एवरीबडी, यस, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द गिवन एलिमेंट. रिलेटेड मतलब ऑल दोज विच विल सैटिस्फाई द गिवन रिलेशन. के डी एस हो गया. द क्वेश्चन इज killed, dead, slaughtered. Okay, awesome. Chalo, aage badhte hain fatafat se. Time nahi waste karna. Lekin agar aapko koi bhi chapter hai jo aapko you know zarurat hai karne ki, polish karne ki, ya koi ek aad aisa chapter hai jo nahi samajh aa raha aur aap full course nahi lena chahte, then definitely you can go for our micro courses. Matlab 9 rupaye mein to yaar kya milta hai, hai na? Jaake check karo. In the description box, you will find the link for the micro course. Go get it. Okay, chalo. Question 3 pe aate hain. Sample paper 2020 ka sawal. Sawal hai kya? Bemisal. Everybody. Everybody. Dekhe kaun kaun karta hai isko. Mujhe KDS chahiye aaj question. Bas samajh lo tum KDS. Hanji. Let F be a function from A to B. Defined as this, where A is this, B is this. Is the function 1, 1 and on 2 aa gaya? 1, 1 on 2 aa gaya. Aapse pooch rahe hain. Aapse pooch rahe hain, lekin saath ye bhi bata rahe hain. If yes, then find its inverse. Theek hai? To ek hint to aa gaya hai hamare paas ki haan hona to hai, hai na? Kya karenge hum? 1, 1 prove karne ke liye, what am I going to do? I will take two elements from here. So x1, let x1 and x2 belong to A. Kya karna hai? Fx1 equal to fx2. To yani fx agar ye given hai, to my fx1 will be 2x1 plus 3 upon x1 minus 3. And yaha 2x2 plus 3
upon x2 minus 3. Just cross multiply and देखो आपका x1 equal to x2 आ रहा है क्या? सच में आ रहा है? देखो just cross multiply and check. Yes, क्या हो जाएगा? 2x1 x2 minus minus 6x. क्या हो रहा है यार ये? एक सेकेंड. 2x1 x2 minus 6x1 plus 3x2 minus 9 is equal to आपका क्या आ रहा है? 2x1 x2 plus 3x1 minus 6x2 minus 9. ठीक है, आ गया x1 equal to x2. yes 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 आ गया. 1 to 1 हो गया. onto समझो. देखो onto के लिए जैसे मैंने कहा था, just remember the range. range का क्या procedure था? आप बोलो let y belong to b and देखते हैं x अगर belong करता है a पे तो fx को y put करो. ठीक है, just put fx equal to y. मतलब 2x plus 3 upon x minus 3 is y. अब आपको वही करना है बॉस जो आप रेंज में करते थे. अगर आपको याद है तो ऑसम है, नहीं याद तो मैं याद करा देती हूँ. यू हैव टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. नाउ एक्स को वाई वाई के टर्म में लिखना है. कैसे? दिस इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y. तो एक्स हो जाएगा आपका, एक मिनट गाइस, एक्स हो जाएगा आपका 3 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस y. एक बार 2 माइनस y, सॉरी गड़बड़ कर दी, गड़बड़. 2 माइनस y. ये देखो एक बार चेक करो सब लोग, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. यस, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. माइनस है या मैंने माइनस एडजस्ट कर लिया? देखो यहां लाओगे तो आपका आएगा माइनस 3y माइनस 3 एंड 2 माइनस y माइनस, हाँ या y माइनस 2 होना चाहिए. y माइनस 2 होना चाहिए, है ना? यस, 3 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2. ये ठीक है, वो मैंने साइन शायद नेगेटिव लगा दिया था, डायरेक्ट कर रहे थे ना. ओके एवरीबडी, अब देखो विल दिस काइंड ऑफ एलिमेंट लाई इन, विल दिस काइंड ऑफ एलिमेंट जो x से आपका a में लाई करेगा कि नहीं, a में लाई करेगा कि नहीं. ऊपर देखो a का है, a ये है r माइनस 3. एक सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है, वेट करो जस्ट अ सेकेंड. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? सो दिस विल बी 2 माइनस y 2x equal to, नहीं ये तो ठीक ही था, दिस वॉज फाइन फाइन, ठीक था ठीक था, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक था. तो यार अब ये y देखो, y can't be equal to 2, ठीक था एकदम, y can't be equal to 2, बिल्कुल ठीक बात है, y can't be equal to 2. ठीक है, तो ये lie करेगा कहाँ? आपके सेट A में. बस ये आपने चेक करना था. यस यस यस, ठीक है एकदम ठीक है. ध्यान से देखो क्या किया मैंने, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड, मैंने जस्ट पुट किया एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये सब करके एक्सप्रेस कर दिया एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई और चेक किया कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड. वैलिड क्यों है? क्योंकि वाई बेटा वाई माइनस टू है, वाई कांट बी इक्वल टू टू, जो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि वाई कांट बी इक्वल टू टू. वाई कहाँ से आया था? बी से आया था ना. एंड एक्स कांट बी इक्वल टू थ्री. आप लोग बोलोगे मैम x तो चेक किया नहीं, x कांट बी इक्वल टू 3, x को 3 पुट करके देख लो, आएगा ही नहीं, वैलिड आंसर नहीं रहेगा. ओके x को 3 पुट करके देखोगे तो वैलिड आंसर नहीं रहेगा. तो दैट्स इट, आपने 1 1 एंड ऑन टू शो कर दिया है. अब आप कैसे लिखोगे इनवर्स? इनवर्स यार यही है, इनवर्स बिल्कुल यही है. f इनवर्स में क्या होता है? अगर f a से b जा रहा है तो f इनवर्स उल्टा जाता है. एंड आप बोलोगे एफ इनवर्स ऑफ वाई इज बॉस क्या? 3 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2. क्वेश्चन डन, दैट्स इट. बस यही करोगे, इनवर्स भी यही आएगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इनवर्स यही आएगा यार. ठीक है, यही किया है हमने, यही आ रहा है हमारा इनवर्स.
ठीक है जी एवरीबडी, यही आ रहा है हमारा इनवर्स। अगर आपका भी आ गया है तो फटाफट से कर दो, बिल्कुल कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो। 3 दिन कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, वो क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है चलो, जैसे कि मैंने बोला, चलो घुमा के हाथ लाइक बटन पे दबा दो अगर अभी तक नहीं दबाया तो, बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो दैट मेक्स मी पम्प्ड अप, दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू वर्क हार्डर फॉर ईच वन ऑफ यू। तो आप जितना एफर्ट करोगे मैं उससे डबल करूंगी। ओके चलो लेट्स गो आगे, टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। ओके, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम n टू y, एफ एक्स आपको गिवन है 4x + 3, शो दैट f इज इनवर्टिबल। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय f इज इनवर्टिबल। आपको समझ आना चाहिए आपको करना क्या है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय f इज इनवर्टिबल। यस, सीधी सी बात है ना, दैट मीन्स f इनवर्स एग्जिस्ट। f इज इनवर्टिबल मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब है यू हैव टू प्रूव द फंक्शन इज 1, 1 and on 2। अमेजिंग, 1, 1 तो सब प्रूव कर लेंगे यार, 1, 1 में तो कुछ भी नहीं है। आप बोलो x1 एंड x2 बिलोंग टू n, तो क्या हो जाएगा 4x1 + 3। सीधा ही प्रूव हो रहा है, ऑन टू कैसे करोगे प्रूव, ऑन टू हाउ विल यू प्रूव, ऑन टू कैसे करोगे। यस, हाउ विल वी प्रूव ऑन टू बेटा, वाई को लो वाई से, ठीक है, एफ एक्स अगर आपने वाई पुट किया तो इसका क्या मतलब है 4x + 3 इज इक्वल टू वाई। ओके, सो एक्स इज y - 3/4, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। विल दिस बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यस, विल दिस बिलोंग टू नेचुरल, y ऑल्सो बिलोंग्स टू n, हाँ ठीक है, सो दिस इज वैलिड गाइस, दिस इज वैलिड। अब आप फाइंड करोगे, देखो आपका y जो सेट है ना वो भी नेचुरल नंबर्स का ही है, तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं मैम हो सकता है ये ना ट्रू हो तो दिस विल ऑल्सो बी, ठीक है, तो 1, 1 and on 2 हो गया है फंक्शन। अब आप इनवर्स फाइंड करो, इनवर्स तो यही है जो अभी फाइंड कर दिया, तो आप लिखोगे f इनवर्स फ्रॉम y टू n सच दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y - 3/4, ठीक है, y - 3/4, बिल्कुल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम कॉम्पोजिशन से कर सकते हो, आप कर सकते हो यार, लेकिन कॉम्पोजिशन अगर नहीं पूछी तो डोंट गेट इनटू इट, आगे के क्वेश्चंस में आएंगे कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है जी। तो यही वाला काम आपने करना है एवरीबडी। यहां देखो आपको कॉम्पोजिशन वाला मेथड भी गिवन है, कॉम्पोजिशन वाले मेथड में क्या करते हैं, आपको सिर्फ जी ऑफ एफ एक्स शो करना होता है कि ये एक्स बन जाएगा और एफ ऑफ जी वाई शो करना होता है कि वाई बन जाएगा। अगर ऐसे ट्रू है तो f और g जो होते हैं, g क्या होता है आपके f इनवर्स को ही हमने g बुलाया है, तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपकी मर्जी, आप ऐसे करना चाहते हो या जो मेथड हमने किया आप वैसे करना चाहते हो, यू कैन डू इट एनी वे, ईदर वे। ये नहीं आता तो छोड़ दो रूबल, फॉरगेट अबाउट इट, जो मेथड अभी मैंने बताया वो वाला कर लो, दोनों ही मेथड ठीक है। ये वाला समझते हैं, 2015 6 marker, ये इतना लाइट वेट क्यों हो गया, ऊपर उड़ गया है। दिस इज ऑल्सो आई थिंक योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। यस, एक और बात सुनो ध्यान से, योर एनसीईआरटी फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस इज इनफ। आज तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं वो एनसीईआरटी से ही देखे हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना होता है तो वो फिगर में ही इधर उधर कर देते हैं, बट मोर और लेस वहीं से आता है। ओके, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे गाइज, चलो चेक करें, आपको फिर से इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो क्या होगा, 1, 1 तो होगा कैसे, अच्छा इसको ध्यान से सुनो,
अब ऐसे ही नहीं बस डायरेक्टली लिख देना x1 equal to x2. Only 9 gets cancelled and आपके पास क्या आ रहा है 5 x1 square minus x2 square plus 6 ठीक है जी 5x1 plus 5x2 plus 6. अब मुझे फटाफट से बताओ क्या ये जीरो हो सकता है. कैन दिस बी जीरो. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या ये जीरो हो सकता है. यस गाइस क्यों नहीं हो सकता बॉस. वाई कैन दिस बी जीरो मुझे बताओ जरा. ये देखो x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. समझ रहे हो x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो यार 5 इंटू x1 प्लस 5 इंटू x2 प्लस 6 जीरो कहाँ से होगा यार. जीरो तो हो ही नहीं सकता. दिस के नॉट बी जीरो इसलिए x1 इक्वल टू x2. समझ में आया सबको. ये आपको रीजन देना होता है. समझ में आ रहा है. ऑन टू फॉर ऑन टू गाइस. अब y को ले लो माइनस 9 इन्फिनिटी से एंड ऑफ कोर्स योर x इज इन r प्लस. ठीक है एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करा एंड देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं है. है कि नहीं गाइस. देखो सो दिस विल बी इसको कैसे प्रूव करूं. हाउ डू आई एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. ध्यान से सुनना जैसे बता रही हूं. आप इसको यार y को लेफ्ट साइड ले आओ. दिस इज अ क्वाड्रेटिक. ठीक है अब इसको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते तो आप क्या करो आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर दो है ना. तो क्या हो जाएगा सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट. तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 4 एंड 5 20 ओके सब लोग ध्यान से देखो इसको. कुछ मिस तो नहीं हुआ. 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 9 माइनस वाई ओके तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ठीक है. यस गाइस अब क्या करें. अब इसको ओपन करो एंड देखो कि ये वाला आंसर कैसे आएगा. जहाँ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है एंड मेरा तो माइनस कहीं भी नहीं आ रहा. एक बारी बताओ गाइस कहाँ क्या हुआ. 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. एक बारी क्वेश्चन चेक करें जरा. एक मिनट कॉमन तो ले लूंगी बेटा मैं बट प्लस साइन कहां से प्लस है यहाँ पे माइनस है. प्लस है यहाँ पे माइनस है ओके तो चलो एक बारी देखते हैं इसको क्या होगा. 36 प्लस 180 तो ये हो जाएगा 216 प्लस 20y अपॉन 10. कुछ तो गड़बड़ है. एक मिनट जरा क्वेश्चन चेक करें. एक सेकेंड गाइस एक बार सॉल्यूशन में जाके देखें. नहीं 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 ठीक है यही कर रहे थे हम. हाँ देखो क्वेश्चन में गड़बड़ है. प्लस आना चाहिए था. प्लस आना चाहिए है ना. यही क्वेश्चन में कह रही थी मैं यहाँ पे यार ये द क्वेश्चन शुड बी तो हम एकदम ठीक जा रहे थे. दिस इज प्लस बच्चों ये प्लस आएगा जो हम लोगों का आ रहा था है ना. ये थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ मिस. लेकिन देखो पता चल गया तो ऐसे ही होता है यार. आपको ना कई बार ही कॉपिंग मिस्टेक कॉपिंग तो नहीं मैं बोलूँगी. कई बार हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको लग रहा हो कुछ मिस्टेक है लेकिन आप करते जाओ अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है क्वेश्चन में प्लस है बिल्कुल ये हमने फाइंड कर लिया. तो फिर से ऑन टू फटाफट से जरा रॉकेट स्पीड पे करते हैं. ये किया हमने ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4 अब तो यार समझ आ गया है कि क्या गड़बड़ हुई थी. क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी है ना. चलो सो दिस वन वॉज 216 प्लस 20y. अब तो यार आना ही आना है आंसर. अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे. कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों करोगे. ना 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 कॉमन लो बेटा. जस्ट टेक व्हाटएवर इज कमिंग कॉमन.
तो यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं? यस, व्हाट कैन आई टेक कॉमन? कोई बताएगा मुझे? 2, 4, 4 ले लें कॉमन, 4 ले लेते हैं. सो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विद अगर 4 कॉमन लिया मैंने? 5, 4, 5, 20, 4, 16, बस हो गया काम. ओ 5 आना चाहिए ना, 4, 5, 20, दैट्स इट गाइस. अच्छा अब कुछ इसमें रिजेक्ट होगा, देखते हैं क्या होगा. -3/5, ठीक है ये तो अपॉन 5 हो जाएगा. अब मुझे बताओ यार इसमें मैं कौन सा रिजेक्ट करूं, कौन सा सिलेक्ट करूं? देखो वी विल हैव टू रिजेक्ट द नेगेटिव साइन, हमको नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा एक्स हैज टू बी आर प्लस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा है ना. एक्स, सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, इसलिए मेरा आंसर सिर्फ पॉजिटिव वाला होने वाला है. तो √54 + 5y - 3/5 यही है, एंड आपका इनवर्स भी यही है. दैट्स इट. अब समझ में आ गया? यस, अब समझ में आ गया सबको? ठीक है चलो लेट्स गो आगे. यही वाला इनवर्स आ गया था. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, इसमें कैसे करेंगे हम? कंसिडर दीज टू फंक्शन, शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव. देखो मैं 1-1 नहीं शो कर रही, बहुत बार शो कर दिया, आपको अभी तक समझ आ गया होगा. 1-1 के लिए तो यार आपने fx1 को fx2 के इक्वल पुट करना है एंड अपने आप शो कर देना है दैट x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन में अब टाइम लगाते हैं, जो हमको ऑलरेडी समझ आ गया है उसका क्या करेंगे, है ना. चलो यहाँ पे ऑन टू के लिए इफ आई पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो फिर से वही चीज, 4x + 3/3x + 4 इज इक्वल टू वाई. ठीक है जी, सबको समझ में आया ये? फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका x? बताओ जरा मुझे क्या आ रहा है. सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, एक्टिव हो जाओ फटाफट से, एक्टिव हो जाओ फटाफट से, मुझे बताओ x का क्या आएगा आंसर. बेटा वेक्टर्स ऑलरेडी हो चुका है, वेक्टर्स हैज बीन कंप्लीटेड यस्टरडे. ठीक है 3xy ही है राइट right? तो इसमें आप x को एक्सप्रेस कर लोगे, उसके बाद हेंस फाइंड f इनवर्स 0 एंड f इनवर्स ऑफ x इज 2. ओके तो बच्चे बोल रहे हैं 4y - 3/4 - 3y, चेक करो जरा. ये मेरे पास आएगा, ठीक है ओके एवरीबडी, दिस इज व्हाट आई विल गेट. अब यही आपका एफ इनवर्स वाई हो गया है, इतना हमको समझ में आया. ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, फाइंड एफ इनवर्स 0 वो तो यार आप निकाल ही लोगे. फटाफट से बताओ व्हाट इज एफ इनवर्स 0, जल्दी से बताइए एफ इनवर्स 0 क्या आ रहा है, जल्दी बताओ 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 मुझे व्हाट इज एफ इनवर्स 0. यहाँ पे 0 पुट किया, बिल्कुल ऑसम ऑसम ऑसम, -3/4 आ गया. एंड ये बताओ एफ इनवर्स एक्स इज 2 तो एक्स क्या है? एफ इनवर्स एक्स इज 2, तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स? एफ इनवर्स एक्स यार आपका वही है, एक्स बोलो इसको, अगर एक्स की तरह लिखना है वो लिख लो. आपको वैल्यू फाइंड करनी है. 11/10 -5/2, सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो मुझे, क्या होगा ये? देखो कहां गया, कहां गया ये रहा, 11/10 एब्सोल्यूटली. तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब आप देखो वाई की फॉर्म में भी लिखोगे तो इट डजंट मैटर. ओके 11/10 आ जाएगा सबका. यस गाइस एब्सोल्यूटली. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या करना है. देखो कोई बुला रहा था बड़े दिल से एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को, फटाफट से देखते हैं क्या करना है. चैतन्या एनसीईआरटी टिक मार्क एट 9:30 टुडे फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है. एंड बेटा थोड़ा थोड़ा करके दे सकती हूँ, सारे इकट्ठे चैप्टर्स का कंपाइल करना भी बहुत मुश्किल है तुम्हें बताना, बट मैं देती रहूँगी. ओके एवरीबडी
चलो 7 PM मिंटी होगा, अभी आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके, दिस वन सेज fx आपको ये गिवन है, g गिवन है ऐसा, फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f. ये तो इजी सवाल है. f ऑफ g, g ऑफ x क्या हुआ? ठीक है गाइस, यही हो जाएगा. ध्यान से सुनो जिसको नहीं भी आता, ये o का मतलब होता है बेसिकली ब्रैकेट से रिप्लेस कर दो, उसके बाद आप अंदर सबसे पहले अटैक करो, वैल्यू डालो x अपॉन x माइनस वन. ओके, अब क्या करो, f ऑफ x माइनस वन, देखो जैसा मैंने बहुत बार बताया यहाँ पे जो भी होता है, तो अगर आपका fx एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो अब x की जगह डालो x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू. ठीक है, क्या आ जाएगा व्हेन यू विल सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर दिस विल बी थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन. कितने बच्चों का यही वाला आया आंसर? यस गाइस, ये आंसर आया है कि नहीं आया, फटाफट से मुझे बताओ. समझ नहीं आया प्रतिमा, कुछ नहीं किया बेटा, जी एक्स की वैल्यू डाली यहां से एंड एफ ऑफ एक्स जहां जहां है मैंने ये वाला फंक्शन लगा दिया. ओके आया, चलो अब मेरे को निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ टू, यानी एफ ऑफ जी ऑफ टू. हमने तो वैल्यू वैसे निकाल लिया है, तो इसके अंदर क्या डाल दो, आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस, क्या होने वाला है इसका आंसर, आंसर इन द चैट बॉक्स. इसका क्या आ रहा है आंसर, 12 माइनस 4 8 8 बस 8 बस 8. यस, 11 बाय 10 कैसे लिख रहे हो, 8. यस, ऑसम ऑसम, 8 आ गया सबका, अमेजिंग. सबको मेरी तरफ से हाई फाइव, मिल गया हाई फाइव. ओके ग्रेट, अब ऐसे ही आ जाओ जी ऑफ एफ पे. फॉर जी ऑफ एफ गाइस क्या करोगे, उल्टा करोगे, पहले जो भी राइट पे होता है ना उसको अटैक करते हैं. एफ ऑफ एक्स की जगह यू आर पुटिंग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड ये एक्स है ना, जहां जहां एक्स है उठा के डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस टू. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. अब जी ऑफ एफ तो निकाल ही लोगे, जी ऑफ एफ तो निकाल ही लोगे, राइट. क्या है, माइनस थ्री डालो और बताओ मुझे, 11 बाय 10. तो पहले वाले का आया था क्या, यहां क्यों नहीं दिख रहा, 6 आया था. अच्छा, कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ था क्या, 6 आ रहा था, देखें एक बारी, 6 आ रहा था कि 8 आ रहा था, एंड यहां पे 11 बाय 10 आ रहा है. ठीक है, आई थिंक 8 आ रहा था. एक्स, अच्छा आई थिंक ऊपर एक्स मिस किया था क्या, नहीं प्लस टू, आई थिंक हमने कुछ एक्स मिस कर दिया था शायद, इट विल बी 6. हाँ हाँ, 6 ही आएगा, यू आर राइट. आई थिंक मैंने ये एक्स लिखना मिस कर दिया था. ओके यस, ठीक है, चलो टाइम टू रिफ्यूल, फटाफट से फ्यूल डालो ताकि मैम की गाड़ी आगे चले, आगे चले, आगे चले. एंड एक बात बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, कहाँ गया हमारा YouTube चैनल, Google पे जाओ, वेदांतु मैथ को ज्वाइन करोगे जब, तो यहाँ पे गाइस प्लेलिस्ट सेक्शन पे जब जाओगे, आपको जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है ये वाली, ओके क्या है ये, ऑल वन शॉट वीडियोस. तो आप एक से मतलब वन से वन एंड हाफ आवर में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, विद लास्ट 8-10 साल के पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स. ओके, तो मेक श्योर ये कर रहे हो. एंड गाइज ऑफ कोर्स, एक और जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 या 2 मार्कर्स है उनको स्क्वीज करके मैंने डाला है आपके 20 मिनट्स के अंदर. सो 20 मार्क्स इन 20 मिनट्स का मतलब क्या है कि ये छोटी छोटी 25-30 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 1 मार्कर है, मतलब जितने भी टाइप के
जितने भी टाइप के, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉबेबिलिटी है, तो प्रॉबेबिलिटी से जितने भी काइंड के वन या टू मार्कर बन सकते हैं वो मैंने इस सीरीज में डाले हैं. ये सीरीज रिकॉर्डेड है ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देखकर एंड 20 क्वेश्चन स्किल कर लो विद इन हाफ एन आवर. ठीक है जी, चलिए फटाफट पहुंचते हैं. रिफ्यूल आई थिंक मैम ने, मैम को सब ने कर दिया है ना. चलो, एफ और जी आर टू फंक्शंस डिफाइंड एज दिस एंड दिस, देन फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ करेंगे हम. बहुत सिमिलर है ये ना, आपका टू मार्कर आ सकता है यार. टू मार्कर देखो, यहाँ फोर मार्क्स का आया है, बट वैसे देखा जाए तो और कुछ नहीं पूछा. सो इट कुड ऑल्सो बी अ टू मार्कर. क्या पूछेंगे, फिर से एक पार्ट कर लेते हैं. एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स आपने जी एक्स की जगह डाला मॉड एक्स माइनस एक्स. ठीक है, ये पूरा का पूरा अब आपका नया एक्स है, इसकी जगह हमने ये डालना है. सो इट विल बी या दैट्स इट. समझ में आया, समझ में आया सबको क्या हुआ अभी. यस गाइस, ठीक है, ऐसे आपने जी ऑफ एक्स निकाल लेना, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेना. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, एंड अगर आप चाहो तो फिर मॉड को स्प्लिट कर सकते हो. देखो अगर टू मार्कर है तो वहीं पे छोड़ देना, वरना आप इसको स्प्लिट कर सकते हो. कैसे स्प्लिट करोगे ध्यान से देखो. इफ इट्स अ फोर मार्कर, आपने एफ एक्स को लिया, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये पॉजिटिव है तो ये टू एक्स बन गया, एंड ये नेगेटिव होके जीरो बन गया. एंड जी ऑफ एक्स भी ऐसे ही आपने किया, जब ये पॉजिटिव है तो ये एक्स माइनस एक्स जीरो बन गया, अदरवाइज ये माइनस टू एक्स बन गया. ठीक है जी, तो आपका ये एफ एक्स और जी एक्स आ जाएगा. अब आप जीरो वैल्यू पे चेक कर सकते हो. ठीक है, इसको कंबाइन कर सकते हो. जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तब क्या आंसर है, जब आपका x लेस देन जीरो है तब क्या आंसर है. लेकिन ये सब तब करना जब आपका फोर मार्कर है. अगर टू मार्कर आया तो सीधा जैसे लिखा था लिख के खत्म कर सकते हो. ओके गाइज एवरी वन, ओके ऑल राइट. ये वाला भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हटके है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस. ठीक है, देखिए कितने लोग कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन. लेट्स सी गाइज फटाफट. या सर यही है कि हमें यहाँ पे सारा खेल ही वन वन एंड ऑन टू शो करने का है. तो वन वन को देखो, वन वन में मोस्ट अमेजिंग थिंग इज बच्चों आपको केसेस लेने पड़ेंगे. ओके, यू वुड हैव टू टेक केसेस. कैसे केसेस, एक मिनट. ओके, कैसे केसेस, देखो या तो मेरा x1 एंड x2 बोथ ऑफ देम आर इवन, तो ये केस वन है, बोथ ऑफ देम आर इवन. ओके, तो क्या हो जाएगा, इवन में x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन, यानी x1 इक्वल टू x2, क्वेश्चन किल्ड. ठीक है, अगर मेरा केस टू मैं लेती हूँ कि x1 एंड x2 आर ऑड, इन दैट केस ऑड मतलब ओके गाइज, अब मैं केस थ्री लेती हूँ कि एक इवन है एक ऑड है. ठीक है, तो मैं बोलती हूँ यार नहीं, मेरा एक्स वन तो इवन है बट मेरा एक्स टू ऑड है. ध्यान से देखो, माय एक्स वन इज इवन बट माय एक्स टू इज ऑड. ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इट्स लाइक अ हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, क्या होगा, एक्स वन इवन मतलब एक्स वन माइनस वन, एंड एक्स टू ऑड मतलब एक्स टू प्लस वन, यानी कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू टू. यार एक बात बताना मुझे सोच के, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर कभी टू आता है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर कभी टू आता है. आप दो, अब इवन ऑड नंबर कोई भी एग्जांपल ले लो यार, फोर और वन ले लो, हमेशा आंसर इज एन ऑड नंबर. नो, सही कह रही हूँ ना, तो आप बोलोगे इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल. एंड इफ यू विल टेक केस फोर, केस फोर क्या होगा, अगर आप उल्टा करके ले लो एक्स वन ऑड एंड एक्स टू इवन,
तो वो भी सेम होगा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो सिमिलरली वो भी सेम होगा, तो ये दोनों केसेस तो वर्क ही नहीं करते, एंड इन दो केसेस में तो हाँ जी हमने प्रूफ कर दिया 1-to-1 है, ठीक है जी, प्रूफ कर दिया हमने 1-to-1 है। लीनियर प्रोग्रामिंग टुमोरो टुमोरो टुमोरो, ओके। चलो अब क्या करूं मैं, नाउ लिसन टू दिस। अब अगर मैं बोलूं मुझे ऑन टू शो करना है, ठीक है गाइज, मैंने ना y बिलोंगिंग टू n लिया, ठीक है। अब सोचो, अब आपका x, अब फिर से केसेस देख लो, x बिलोंग्स टू n सच दैट, देखो या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो या तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब आपको दे देगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y, अगर मैं x को ऑड बोल रही हूँ तो। इफ आई एम कॉलिंग x एज ऑड, मतलब जो भी आपका होगा तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा, समझ रहे हो? एंड अगर आपने केस लिया कि x इवन है, तो इस केस में बच्चों आपका x माइनस वाई इक्वल टू वन, यानी x आ गया y प्लस 1, तो ये ऑड बन जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो, इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज समझो कि मैंने अगर अपने सेकेंड सेट से कोई भी y उठाया, अगर तो ये y इवन है तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, इफ माई वाई इज इवन तो ये कनेक्ट हो रहा है किसी ऑड नंबर से, और अगर मेरा वाई ऑड है, इफ माई वाई इज ऑड दैट मीन्स इट्स गेटिंग कनेक्टेड विद एन इवन नंबर। तो यानी कुछ भी कर लो बॉस, मेरे को मिलेगा तो मिलेगा एलिमेंट, आई एम डेफिनेटली 100% गोइंग टू गेट माई एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से इवन उठाया तो यहाँ ऑड मिल गया, यहाँ से ऑड उठाया तो यहाँ से इवन मिल गया, लेकिन मिला जरूर। सो द फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो, सो द फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो, ठीक है। शिवांग बिता प्रॉबिबिलिटी हो चुका है, प्रॉबिबिलिटी इज ऑलरेडी कवर्ड, प्लीज आप जाके वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट को चेक करो, ओके। तो यही चीज लिखी है, फॉर एवरी इवन नंबर आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा, एंड फॉर एवरी ऑड नंबर आपके पास इवन नंबर आ जाएगा, 7 लिख दिया इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से गाइस, हम सिर्फ थोड़ा सा ही दूर है 1000 लाइक से, अभी के अभी कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। बच्चे बोल रहे हैं बस, अच्छा चलो बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ओके करें। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा जेई मेन्स का पेपर दे रहा है तो मेक श्योर टू कंसिडर द जेई मेन्स क्रैश कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, क्योंकि जेई भी दूर नहीं है, 5 अप्रैल आने वाला है, एंड बोर्ड कब खत्म हो जाएंगे, कब आ जाएगा आपके सर पे, यू विल नॉट इवन रियलाइज। तो अगर तो टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो तो वेल डन, नहीं पढ़ रहे तो डेफिनेटली बोलूंगी कि इसको जाकर लो। क्यों लो? क्योंकि यार ये IITians ने बनाया है, इसमें आपको पूरा टाइम टेबल पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, रेगुलर टेस्टिंग होगी आपकी, डाउट सॉल्विंग होगी, ठीक है। एंड ऑल दिस अगर आप ये वाला कोड लगाते हो तो जस्ट एट अ प्राइस ऑफ 2959, ठीक है। सो डेफिनेटली गिव इट अ थॉट अगर अब तक अपने आप नहीं पढ़ रहे ठीक से, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द फंक्शन जी सच दैट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई। देखो एक की और तरीका हो गया कि अगर कॉम्पोजिशन बेटा आपकी आइडेंटिटी आ जाती है तब भी फंक्शन हमारा क्या होता है, तब भी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जी डिफाइन कैसे करूँ, जी को यार मैं ले सकती हूँ एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेट अच्छा आप ऐसे ले लो, ठीक है, ये फ्लिप किया है ना, जी आप ले लो जी वाई इक्वल टू एक्स भी कर सकते हो, या एफ एक्स, सेकेंड रुको, फर्स्ट वी विल टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि 10x+7 इज इक्वल टू वाई, प्रोसीजर सारी जगह सेम है, तो यानी यू आर डिफाइनिंग जी आर टू आर सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ एक्स
आपको ये क्या दे रहा है, fx क्या है, 10x plus 7. यहां आपने डाला पूरा 10x plus 7, तो क्या आ गया 10x plus 7 minus 7 upon 10, जो कि आ जाता है सिर्फ x. सेम वे जब आप f of g y, तो यार अगर मैंने x डाला और x बाहर आ गया तो यानी आइडेंटिटी हो गया कि नहीं, आइडेंटिटी हो गया. सेम वे अगर मैंने f of g y डाला, g y मतलब ये. अब एक बार आप इसके अंदर डाल के मुझे बताओ कि आ रहा है आपका y कि नहीं. अगर आपने x की जगह इसको डाला तो आपका y आ रहा है या नहीं, यस या नो इन द चैट बॉक्स, यस या नो इन द चैट बॉक्स, यस फटाफट से लेट्स सी. मुझे बताओ यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही सही पकड़े हो, बिल्कुल. तो यही तो प्रूव करना था, है ना, यही प्रूव करना था. चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैंने ना थोड़े से होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए डाल दिए, आप डेफिनेटली उसे करना अलोंग विद द सॉल्यूशंस. ये देखो एक बार, ये थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, ये सुपर हॉट क्वेश्चन है, फायर वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो, ठीक है, सुपर हॉट क्वेश्चन है ये. कैसे गड़बड़ हो सकती है, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आप बोलोगे मैम इसमें इतना क्या आप कह रहे हो, है सिर्फ प्रेजेंटेशन आपकी डिफिकल्ट है जो आपको किल कर देती है. क्या रिफ्लेक्सिव के लिए आपका ना एलिमेंट, अब देखो एलिमेंट ही आपका ऑर्डर्ड पेयर है, समझ जाओ, आपका खाली एक्स नहीं है, आपका ए बी ऑर्डर्ड पेयर है. तो आपको प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, जो आपका एक सिंगल एलिमेंट था ना वो एक्चुअली अब ऑर्डर्ड पेयर है. ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ऐसा क्यों, क्योंकि यार क्या आ रहा है मेरे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो तो होता ही ट्रू है मैम, वो तो ट्रू होता ही है ना, बफर कर रहा है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो. सिमिट्रिक, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे बोलते हैं मैम शो कर दो बी ए इज रिलेटेड टू डी सी. बिल्कुल गलत, ये नहीं करना, बी ए इज रिलेटेड टू डी सी नहीं, नहीं, कभी नहीं. क्यों, क्योंकि इसका मतलब है आपको शो करना है कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में स्विच हो गए. सी डी इज रिलेटेड टू ए बी इज वॉट यू हैव टू शो, ठीक है. तो यहाँ क्या करोगे आप, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, मतलब डेफिनेशन से क्या आया, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना. एंड आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है, यानी आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है, ये सी प्लस कहाँ गया, आपको प्रूव करना है कि c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, क्योंकि ऐसे ही ऐड हो रहा है ना, यहाँ बाहर वाले ऐड हो रहे हैं, यहाँ अंदर वाले ऐड हो रहे हैं. ऐसे करोगे तो यार ये तो ऑब्वियस ही है ना, क्योंकि क्या b प्लस सी और c प्लस बी सेम होता है और a प्लस डी और d प्लस ए सेम होता है, तो यानी कि बस डन. क्योंकि आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, क्योंकि ये भी ट्रू है ना. That's it guys. ऐसे ही ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेना. ट्रांजिटिविटी क्या, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू सम न्यू एलिमेंट ई एफ, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी. अब मैं क्या करूँ ऐसा गाइज, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा आ जाए ए बी इज रिलेटेड विद ई एफ, यानी कि मुझे प्रूव क्या करना है, ए प्लस एफ इज बी प्लस ई. कैसे करूं, कैसे करूं गाइज, कौन मुझे बताएगा. हाँ जी बिल्कुल, यहां पे यार आप ऐड कर सकते हो कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकती हो कि सब्ट्रैक्ट कर सकती हो, सोचो 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 सोचो. ऐड करोगे बेटा तो ये तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ कर दें। अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर दिया, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो क्या हो गया? ये देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी गया सी गया, सी गया, क्या आ गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। अरे यही तो था, वो यही तो प्रूव करना था। सो द क्वेश्चन इज डन 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 डन। यस, सब्ट्रैक्ट नहीं बेटा, ऐड ही करना था। ओके, चलो ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस यार अपने आप बाकी क्वेश्चंस ही खत्म करवा दिए वैसे मैंने, ठीक है। इस फाइल में मैं एक दो क्वेश्चंस और डाल दूंगी प्रैक्टिस के लिए, उसको देख लेना। वेदांतु की लर्निंग आपको डाउनलोड नहीं किया तो मेक श्योर यू डू दैट, इट्स फ्री एंड अवार्ड विनिंग है बॉस, ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। ये पक्का करके जाना फॉर ऑल द एफर्ट। जो बच्चे एलपीपी लिख रहे हैं बेटा, एलपीपी कल करेंगे, अभी मिलेंगे 7 PM, खेलेंगे मेंटी वन मार्कर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर फुल सिलेबस, एंड 9:30 मिलूंगी। क्या करने बताती हूँ, आपकी एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।